ब्रिटेन में एक अजब मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की बिक्री का विज्ञापन सोशल साइट पर डाल दिया। ब्रिटेन के एक 33 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बिक्री के लिए ईबे पर विज्ञापन पोस्ट कर दिया। उसने दावा किया कि जब वह बीमार था तो उसकी पत्नी का व्यवहार उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं था। खास बात यह है कि साइट पर उसकी पत्नी के लिए बोली 65,880 पाउंड तक पहुंच गई थी। यॉर्कशायर के वेल्डफेयर का रहने वाला सिमोम ओस के 2 बच्चों का पिता है। पिछले हफ्ते उसने नीलामी वाली साइट ईबे पर अपनी पत्नी लिंड्रा की बिक्री का विज्ञापन पोस्ट किया था। इस्तेमाल की हुई पत्नी शीर्षक वाले इस विज्ञापन में उसने अपनी पत्नी को बेचने का कारण बताते हुए उसकी अच्छाई और बुराइयों का विवरण भी दिया है। अच्छाइयों का जिक्र करते हुए उसने लिखा, बेहतरीन शारीरिक ढांचा और रसोई के कार्य में कुशल, जबकि बुराइयों का जिक्र करते हुए उसने लिखा कि वह समर्पित पत्नी की भूमिका का निर्वाहन नहीं कर रही थी। अगले दिन जब उसकी पत्नी ने यह विज्ञापन देखा तो वह सन्न रह गई। उसकी पत्नी की प्रतिक्रिया थी कि मैं उसे मार देना चाहती हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि न्यूज़।